तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोन के बारे में। स्टोन जो है कई प्रकार की हो सकती है। कई बार गुर्दों के अंदर स्टोन हो जाती है और वो स्टोन जो है अगर छोटी होती है तो कई बार कुछ लोगों की इस पाइप से फिसलते हुए नीचे की ओर ब्लैडर की ओर आती है। इस पाइप को यूरेटर बोलते हैं और ये यूरेटर जो है वो ब्लैडर से कनेक्ट होता है। ब्लैडर के अंदर पेशाब इकट्ठा होता है और ये जो जमा पेशाब होता है वो यूरेथ्रा से बाहर की ओर निकल जाता है। तो ये है बेसिक। तो मेरे चैनल पर एक मेरे दोस्त ने मैसेज पूछा था, वो नेपाल से हैं और उनको 7.1 mm की स्टोन है और ये स्टोन इनको जो है पेशाब की नली के अंदर यानी इस किसी हिस्से में है। तो मोस्टली जो है वो यहाँ पर जाकर के अटकती है, जहाँ पर ब्लैडर और इस यूरेटर का जो जंक्शन होता है वहाँ पर जाकर के अटकती है मोस्टली। तो अब ऐसी स्थिति में ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट जो है वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक दूसरे दोस्त का मेरे चैनल पर कमेंट आया था, उनका था कि उनको 12.3 mm की स्टोन है और वो इसी जंक्शन पर जो है अटकी हुई है। तो अगर बुक की बात करें, बुक कहती है कि भाई 6 mm से छोटी जो स्टोन होती हैं वो आसानी से निकल जाती हैं। 6 mm से ज़्यादा की जो बड़ी स्टोन होती हैं वो निकलने में परेशानी होती है। कुछ कुछ लोगों को जैसे 12 mm की स्टोन है इनको, तो इनकी निकलनी बड़ी मुश्किल है। इनको 7.1 mm की जिनको स्टोन है उनकी स्टोन निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। देखिए ऐसा होता है कि जो स्टोन का साइज़ है वो अल्ट्रासाउंड की मशीन से डॉक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो कई बार जो है कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं उनके पास पुराने ज़माने की मशीनें होती हैं, तो पुराने टाइम की मशीन ही वो यूज करते जा रहे हैं, उसी से अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो उसकी जो कैपेसिटी है उसके कंपैरिजन में आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें आ रही हैं उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उनसे ज़्यादा मेजरमेंट करेक्ट पता चलता है। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई जो उन्होंने आपको मेजरमेंट दी है कि जैसे 6.1 mm की दे दी तो वो 6.1 mm की है एग्जैक्टली, वो हो सकता है थोड़ी छोटी बड़ी हो। तो कई बार जो है जो छोटी स्टोन होती है 7 mm, 7.5 mm की, 8 mm की, ये निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो थोड़े से दिन जो है ट्राई की जा सकती है। कुछ दवाइयाँ मैं वीडियो में आगे डिस्कस करने वाला हूँ, उन दवाइयों के सहारे जो है आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। अगर स्टोन बड़ी है 14 mm के आसपास है या 12.3 mm के आसपास है तो ट्राई तो कर सकते हैं, बट निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। वीडियो में दवाई तो हम बता ही रहे हैं, साथ साथ जो है जो समझने की कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि यदि स्टोन यहाँ पर अटक गई तो वो हो सकता है कि इस पूरे पाइप को ब्लॉक कर दे, ऊपर से पेशाब आए ही नहीं। किडनी फिल्टर करेगी यूरिन को और वो यूरिन है वो किडनी में ही प्रेशर डालेगा। तो इसी स्थिति को बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस में क्या होता है, किडनी के अंदर जो प्रेशर होता है, पेशाब इकट्ठा होगा, पानी दिखाई देगा और किडनी जो है फूल जाएगी, थोड़ी सूजन आ जाएगी उसके अंदर। तो ये स्थिति बहुत गंभीर है। इसमें जो है किसी भी इंसान को अपना यूरिया और क्रिएटिनिन, ये दोनों के दोनों किडनी का टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, यूरिया और क्रिएटिनिन अपना देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ट्राई भी कर रहे हैं कि भाई स्टोन निकल जाए, हम दवाई लेके देख रहे हैं, इस दौरान अपना यूरिया क्रिएटिनिन पर पूरी नज़र रखें, वो बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। बात आती है कि कितने समय तक इंतजार कर सकते हैं दवाइयों के सहारे निकलने की। देखिए कुछ हफ्तों से लेकर के कुछ महीनों तक का ही समय है आपके पास, तो इतने ही समय तक आप इंतजार कीजिए मेरे हिसाब से तो। और इस बीच में भी आपके जो है 50, 100, 150 रुपए के टेस्ट होंगे ये यूरिया और क्रिएटिनिन के। ये टेस्ट अपने बीच बीच में हर महीने एक बार या 2 महीने में जरूर करवा के देख लें, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जिनको स्टोन की वजह से किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है, किडनी खराबी की तरफ चल पड़ती है। तो उस स्टेज में नहीं जाना है, अपना कोशिश करनी है, बट आपको सेफ साइड में यूरिया और क्रिएटिनिन टेस्ट करके ये देखते रहना है कि आपकी किडनी पर कोई खराब असर तो नहीं आ रहा है। तो यहीं पर एक और सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पर जिन्होंने सवाल पूछा था, इनकी जो है 8 महीने पहले 14 mm की स्टोन थी, अब 16 mm की स्टोन हो चुकी है, तो 16 mm की स्टोन निकल जाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं निकलेगी 16 mm की। ऐसी स्थिति में इनको भी डॉक्टर्स ने जो है सलाह दी है कि ऑपरेशन कराया जाए। तो इनका सवाल ये था कि भाई ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स बेहोश करेंगे कि नहीं। जी हाँ बिल्कुल, डॉक्टर आपको बेहोश करेंगे और सिर्फ आप घबराते हुए अपने ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाएंगे, पर उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। उसके बाद आपको बस यही पता चलेगा जब आप होश में आएंगे कि आपका जो है सर्जरी हो चुकी है और आपको कोई कुछ दर्द वगैरह कुछ पता नहीं चलेगा। अब जिन लोगों की छोटी है वो क्या करें, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है? देखिए मैं बिल्कुल कभी भी अपने चैनल पर जो है कोई ट्रीटमेंट रिकमेंड नहीं करता कि इस दवाई का सेवन करें, क्योंकि ये YouTube का चैनल है, ठीक है। इसमें सिर्फ आप लोगों के साथ जो है मैं अपनी नॉलेज शेयर करने की कोशिश करता हूँ, जो मैंने बुक्स में पढ़ी है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें जो ध्यान रखा जाता है, जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस होती है उसमें, एक तो पेन किलर, जो दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं उनका प्रयोग जरूर करें, क्योंकि अगर दर्द ज़्यादा होगा तो स्टोन निकलेगी नहीं, और दर्द की जो दवाइयाँ होती हैं वो किडनी पर असर डालती हैं, तो दर्द की दवाइयों का यूज ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करना है। पेन किलर होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप 1-2 हफ्ते तक लें, नहीं तो वो भी किडनी पर खराब असर डालती हैं। तो दूसरी जो दवाई आती है वो आती है टैम्सुलोसिन। टैम्सुलोसिन 0.4 mg की ये टैबलेट आती है और ये बेसिकली इसका यूज जो है वो प्रोस्टेट के लिए है, मतलब जो पुरुष होते हैं उनमें गदूद फूल जाते हैं, प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है, बट ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं उन पर एक्टिव, मतलब इसका काम है, और जो स्टोन है उसका पासेज में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो ये जो दवाई है ये रात को ली जाती है और
रोजाना बस रात को ही यूज करना है इसका, एक हफ्ते तक यूज कर सकते हैं। वैसे लंबे समय तक भी इसका यूज करते हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। जो किडनी में या यूरेटर में जो स्टोन हो, यहाँ पर जो स्टोन होती है, तो इस पाइप की स्टोन को निकालने में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसको लेकर के हफ्ता 10 दिन देख सकते हैं। इसी बीच में जब इसका प्रयोग करेंगे तो उसी समय पर क्या करना है, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पानी पीना है। ज़्यादा मात्रा में पानी कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, कोई भी लिक्विड चीज़, आपको प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, बहुत सारे लिक्विड चीज़ें यूज करनी है। और लिक्विड चीज़ें जब शरीर के अंदर होगी तो किडनी को भी ज़्यादा भारी मात्रा में पानी मिलेगा और किडनी जो है वह ज़्यादा पेशाब बनाएगी और पेशाब के सहारे वो स्टोन निकलेगी बाहर। अब ऐसी स्थिति में एक काम और किया जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में आप पानी पिए, पानी पीने के बाद में जो पेशाब लाने वाली दवाइयाँ होती हैं जैसे कि लासिक्स, वो 40 mg की एक टैबलेट आती है, उसको आधी गोली को ली जा सकती है, इससे काफ़ी पेशाब आएगा। लेकिन जो पेशाब को लाने वाली दवाइयाँ होती है जैसे लासिक्स है या डाइटोर है, ऐसी दवाइयों को लेने से कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में आता है सोडियम, सोडियम को नमक भी बोल देते हैं आम भाषा में, तो इसके साथ साथ जब तो थोड़ा सा नमक चीनी का घोल बना करके उस समय पर पिया जा सकता है। इसके साथ साथ पोटेशियम, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स है पोटेशियम, जिसका लॉस हो जाता है, जो निकल जाता है बॉडी से बाहर। पूर्ति कैसे करें, नारियल पानी जो होता है, नारियल पानी के अंदर और दूसरा केला, इन दो चीज़ों के अंदर पोटेशियम अच्छी खासी मात्रा में होता है, तो पोटेशियम का यूज कर सकते हैं ताकि जो जो लॉस हुआ है किडनी से ज़्यादा पेशाब आके उसकी पूर्ति हो जाए। तो भाई मैं जो है फिर से एक बार बता दूं कि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं तो सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूं चीज़ें जो ट्रीटमेंट इसका बुक्स के अंदर मेंशन है। तो पानी बहुत सारा पिए और जो है अपने डॉक्टर की भी सलाह ले लें, आसपास जो भी डॉक्टर हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें सारी चीज़ें कवर हो गई हैं कि कितने एमएम तक की स्टोन निकल सकती है, कितने समय तक आपको वेट करना चाहिए, कुछ महीनों तक केवल। और दूसरा जो है किडनी का ध्यान रखना चाहिए, किडनी के टेस्ट करा करके, पेन किलर वगैरह दर्द की दवाइयाँ लेनी चाहिए और दर्द के साथ साथ टैम्सुलोसिन और लासिक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। पानी वगैरह का और ये इलेक्ट्रोलाइट्स का मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपकी काफ़ी मदद होएगी। अब जो है वीडियो में एक एक्स्ट्रा टिप्स आप लोगों को देता हूँ। कुछ जो स्टोन जो होती हैं किडनी के अंदर, स्टोन कई प्रकार के कारणों से बनती हैं, कुछ कैल्शियम की होती हैं, कुछ यूरिक एसिड की होती हैं। यूरिक एसिड वाली जो स्टोन होती हैं वो डिजोल्व होने के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यूरिक एसिड की जो स्टोन होती है उसका पता लगाने के लिए एक तरीका होता है कि यूरिक एसिड का जो टेस्ट होता है, सीरम यूरिक एसिड, ये टेस्ट कराया जाए। अगर ये टेस्ट बढ़ा हुआ आ रहा है तो फिर इसमें दवाइयाँ चलती हैं। यूरिक एसिड को कम करने वाली दवाइयों का सेवन करेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि उन लोगों की स्टोन का साइज भी कम हो जाए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि किडनी के अंदर कुछ स्टोन हो जाते हैं, जो स्टोन किडनी के अंदर होती है उनका साइज अक्सर बड़ा होता है, वो अपनी एक ही जगह पर पड़ी हुई रहती है। जैसे 18 mm की, 20 mm की जो स्टोन होती है उनमें कोई और तरीका नहीं है, सर्जरी करा के ही निकलवानी पड़ती है। पर मोस्टली वो जो खिसकती नहीं है अपनी जगह से, तो पेन भी नहीं होता है और एक ही जगह पर पड़ी रहती है। इन लोगों को भी अपना यूरिया और क्रिएटिनिन का टेस्ट करा के समय समय पर अपनी जाँच कराते रहना चाहिए। अपनी किडनी को सेफ साइड में रखते हुए अपनी किडनी का कैसा स्टेटस है पता करते रहना चाहिए। तो आज की वीडियो कैसी लगी, कोई और भी क्वेश्चन है तो पूछ डालिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। और आपको लगता है कि वीडियो मेरी जो है जरा सी भी वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड करती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।